हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज आप देखने जा रहे हैं गॉडफादर हिंदी ट्रेलर। मेगा स्टार चिरंजीवी, सलमान खान, मोहन राजा, तमन एस। तो हमने गॉडफादर का इसके पहले तेलुगु में ट्रेलर देखा था, तो हम आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी में। तो इसके बाद मतलब ट्रेलर देखने के बाद हमें तो पता लग गया था दैट इज द मलयालम मूवी का रीमेक है, लूसीफर मूवी, जिसमें मोहनलाल जी मतलब लीड एक्टिंग कर रहे थे इसमें। तो मतलब लेट्स सी कि ये थोड़ा कुछ अलग होगा या सेम होगा फ्रॉम दैट। हालांकि डायलॉग और वो सारे चीजें तो इट विल बी लाइक डिफरेंट एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई एम लाइक प्रीटी व्हाट वी कैन से। मैंने मलयालम में देखा राइट, मतलब सबटाइटल के साथ एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जब लूसीफर देखा था। तो अभी ये मतलब फुल थोड़ा डायलॉग वायलॉग चेंजेस और वो सब कुछ तो होगा ही इसमें इन द हिंदी वन। सो ये देखेंगे, मतलब मैं ये देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि चिरंजीवी सर ने मतलब खुद डब किया है टू हिज वॉइस और मतलब कुछ अलग मतलब किसी और का आवाज दिया गया है। सो लेट्स सी हाउ दिस गॉडफादर का ऑफिशियल ट्रेलर इन हिंदी इज गोइंग टू बी। चलिए देखते। हमारे स्टेट के सीएमपी के आर गुजर गए, जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये दिखावे की दुनिया है, सब रंग बदलू गिरगिट है। नेक्स्ट सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए ये सारी खूबियों वाला व्यक्ति आई आ चुके हैं, जल्दी से यहां से खिसक लो। द मोस्ट डेंजरस एंड मिस्टीरियस मैन ब्रह्मा। मैं पॉलिटिक्स से तो दूर हूं, लेकिन पॉलिटिक्स मुझसे दूर नहीं है। मेरा पूरा स्टेट तुम्हारा जेड कैटेगरी सिक्योरिटी के साथ ट्रस्ट का पूरा बिजनेस खराब है, और इस कुर्सी पर दीमक भी नहीं लगेगी। हमारी पार्टी ब्रह्मा को सपोर्ट नहीं करेगी। कोई इमोशन तो दिखा ब्रह्मा, गुस्सा या फिर डर, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए अब कोई विचार नहीं है। बचाने के लिए भी कौन है बच्चा? अहो, हेलो ब्रदर, ना ये तेरा मैटर है ना मेरा मैटर है, फैमिली मैटर है। किसका? तेरे बड़े भाई के बड़े भाई का, गॉडफादर। अहो, ट्रेलर और सब कुछ तो मतलब सेम ही था, लाइक डायलॉग और वो कुछ मतलब डायलॉग भी सेम ही थे बेसिकली, लाइक टॉकिंग मतलब जब हमने हिंदी में देखा एंड ऑल, सिर्फ जस्ट बीन इन हिंदी एंड ऑल। बाकी मतलब तेलुगु से ज़्यादा मतलब मैं जब बचपन से हिंदी देखते आ रही हूँ तो हिंदी ज़्यादा समझ में आता है और जल्दी दिमाग में घुस जाता है हिंदी। दैट इज़ वाई दिस वाज लाइक लिटिल इम्पैक्टफुल फॉर मी। एंड अगर बात किया जाए हमारे चिरंजीवी सर और मोहन लाला मैंने लालटन के बारे में, तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है वो मतलब जेल में जा रहे थे, लाइक उनको हथकड़ी पहनाई गई थी, तो ये वन ऑफ द मैंने मीम पेजेस या मतलब ऐसे पोस्ट पे ऊपर देखा, तो वहाँ पे एक रिव्यू मतलब एक कंपेरिजन का फोटो दिखा था जो वो हथकड़ी पहन के वॉल पे से पैर रखते हैं, तो लालटन ने बहुत ज़्यादा ऊपर पैर रखा था। तो यहाँ पे हमारे चिरंजीव सर ने मतलब एक चेयर हो गया मतलब कुर्सी टाइप ऑफ है तो उसके ऊपर हेलमेट हो गया सपोर्ट एंड काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो एक ट्रोल किया गया था। तो एक्चुअली वो ट्रोल मतलब करना एंड इट इज नॉट द गुड थिंग, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी लोगों को मतलब कुछ हो, मतलब अगर हो नहीं पाएगा या कुछ मतलब पैर में उनके लाइक उतना वॉट वी कैन से कुछ इंजुरी रही होगी पहले से, तो वो कर नहीं पाएंगे। तो मतलब वो एक ट्रोल करना मतलब बंद करना चाहिए हमको कि मतलब उनके हिसाब से जिस से अबाउट दैट थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट द डायलॉग्स हुआ या मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली इसमें समझ में आया कि डायलॉग सब कुछ क्या चल रहे थे एंड व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन हैपनिंग। तो एक बात तो है, तो बीजीएम तो मतलब एकदम इट इज़ लाइक
डेंजरस बीजीएम से वो मतलब एकदम खतरनाक ऐसा वाला बीजीएम है लूसिफर का, तो आप सबको तो पता ही है। तो ये देखेंगे कि कैसा क्या होने वाला है। एंड ऑल्सो द वन थिंग जहाँ पे मैंने वो पिछले वाला ट्रेलर जब मैं देखा था तेलुगु में वो नोटिस किया, लेकिन मैं बोलना भूल गई थी, दैट इज इट कि जब सलमान खान सर मतलब एक को मारते हैं एंड वो जो नाइफ होता था उनके मुंह में से रख के वो मास्क करने पर वो जो वॉक होता है, दैट मैन दैट इज अ हाईलाइट। कभी हमने क्या बोल सकते हैं तेलुगु मूवी में से बहुत ज्यादा देखा है, लेकिन हिंदी मूवी में ऐसा होता है कभी नहीं देखा। तो ये वाला एक जो चेंज है सलमान खान सर के बारे में हमको यहाँ पे सलमान खान के बारे में हमें जो दिखाया गया है वो एक मतलब चेंज, इट वाज लाइक नाइस। सिर्फ ये ना हो कि जो एनर्जी लेवल्स जो लाइक टॉलीवुड वाले लोगों में है लाइक दिस एनर्जी, सलमान खान सर वो वाला एनर्जी को मैच कर पाए, बस मुझे ये एक बात है। क्योंकि जब भी हम लाइक साउथ इंडियन के मूवीज देखते हैं ना, उनके एनर्जी लेवल जो वो एक्ट करते हैं, डायलॉग डिलीवरीज देते हैं या फाइट एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, तो उनकी एनर्जी लेवल मतलब इनसेन होती है, यू नो इनसेन मतलब एकदम ही मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है टू एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन मतलब ये अगर सलमान खान सर उनकी जो एनर्जी है, जैसे पृथ्वीराज सर ने लाइक किया था ऑन द बाइक सीन्स एंड जो लास्ट में क्लाइमैक्स को इधर उधर द होकर एंड द जंप एंड ऑल काइंड ऑफ स्टंट्स जो भी थे, तो वो सारी चीजें एकदम मतलब हो गया अगर अच्छे से, देन लाइक लिटरली एक सैल्यूट दूंगी टू फॉर दैट एनर्जी लेवल्स। क्योंकि वो एनर्जी लेवल्स मैच करना इट्स लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स यू नो मतलब। और हमारे चिरंजीवी सर का डांस यार मतलब एक 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 जगह ऐसा है कि ये दोनों अपोजिट है उनके इसमें, लाइक चिरंजीवी सर इज लाइक मतलब गॉड ऑफ द डांस एंड लाइक गॉड फादर ऑफ द डांस, एंड सलमान खान सर मतलब एक यहाँ पे है कि कांट डांस वेल एंड ऑल, मतलब ये इनका ये जो कॉम्बो है कैसा होता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आई होप कि दोनों को जैसे मैच हो वैसा वैसा कुछ होना चाहिए। बाकी ट्रेलर वेलर एंड ऑल इट वॉज लाइक प्रीटी नाइस एंड गुड, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन अभी ये बाकी है कि कैसा क्या होने जाएगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ फॉर द इंट्रो ऑफकोर्स एंड द जंगल फाइट सीन और द जेल फाइट सीन और क्लाइमैक्स, तो ये चार जो है मेरे बोल सकते हैं फेवरेट सीन्स है लूसीफर के मूवी से। तो अगर ये मतलब मॉडल से बढ़िया होगा फॉर मी, देन वो मूवी विल बी एकदम ढांसू देन, मतलब उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना, मतलब ये हो गए तो आई लव दिस मूवी देन। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।